अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी की पेरिंग स्कीम। तो पहले हम बात करते हैं मार्क्स की डिवीजन कैसी है। 50% जो मार्क्स होंगे वो नॉलेज बेस होंगे, 35% मार्क्स जो होंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, उसके बाद 15% जो मार्क्स आएंगे पेपर में वो एप्लीकेशन बेस होंगे, मतलब इसका इस्तेमाल क्या है, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज की डिटेल को। टोटल चैप्टर 9 है, चैप्टर 2, 4 और 9 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, बाकी हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को इसे 5 करने हैं, टोटल 8 आएंगे। चैप्टर 1, 2 और 4 को मिलाकर एक पोर्शन बनेगा, 1 में से 3, 2 में से 2 और 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, टोटल बन जाते हैं इस तरह के 8, 8 में से आप लोगों ने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो चैप्टर 3, 5 और 7, 3 में से 2, 4 में से 5 में से 4, 7 में से 2, टोटल बन गए 8, और 8 में से आप लोगों ने जो 5 हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो कोई से 2, 5 सवाल करने हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 3, 8 में से 2 और 9, 2+1, मतलब जो डेंगी वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर 1 और 4 को मिलाकर एक बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो चैप्टर नंबर 3 और 7, आपने कोई से 3 में से कोई से 2 करने हैं, तो जो आखिरी क्वेश्चन नंबर लॉन्ग 7 होगा वो चैप्टर नंबर 8 और 9 डेंगे वाले चैप्टर में से आएगा। तो अब आपकी अपनी मर्जी है कि 3 में से आप कौन से जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं।